Benvenuto Giallo Brascaro, tutti io tan mascaro. Su bascia mammi papà chiede a Pascaro Henry. E do giovi che te è, me carugio manciare. Har vaq sab kehte mujhe apas karo Henry. Ye karo wo karo, ye maan karo wo karo, subah shaam mummy papa kehte apas karo Henry. Ek do teen char paanch छह सात आठ नौ दस ग्यारह पूछा हमारा। मैं मजाक कर रहा हूँ गोल्डिलॉक्स, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी प्यारी मछली हो, तुम मेरा सब कुछ हो। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे देख रहे होंगे और आप भी चौंक गए होंगे मुझे यहाँ देखकर। अभी थोड़े दिन में मिस ओ का बर्थडे है और मैं उनकी बर्थडे के लिए पैसे बचा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि पैसे कमाने के लिए थोड़ा ओवर टाइम कर लिया जाए। यहाँ पर कितनी शांति है ना? चलो अभी मुझे और पोछा लगाना बाकी है, हम बाद में मिलेंगे दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच। आप फिर मिल गए। अगर आप मेरी मछली से मिलने आए हैं तो आपको बता देता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं है, वो फिश टैंक में ही रुक गई है क्योंकि उसे मछली बेबी देखना था। चलो यहाँ से चलते हैं। वो कौन था? मेरे पीछे कोई है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है। अरे कोई तो है, हम ये लुका छुपी का खेल पूरी रात खेल सकते हैं, पर मेरे पास बहुत काम पड़ा है। तो तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा। एक दो तीन चार पाँच। हेलो हेलो हेलो, आप दोबारा आ गए, आपको होमवर्क नहीं मिला? मैं जानता हूँ वो मेरे पीछे है। अरे नहीं, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। वो क्या था? अरे हाँ कोई तो है। ओ नहीं कोई नहीं है। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो मेरे पीछे है? ओ हाँ वो मेरे पीछे है, वो मेरे बिल्कुल पीछे है। लगता है वो पागल लड़का है। पागल हेनरी, बचाओ बचाओ, पागल हेनरी जेल से भाग गया, बचाओ बचाओ बचाओ, पागल हेनरी जेल से भाग गया। मैं अभी पुलिस को भेजती हूँ। हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। उन्होंने उसे पकड़ लिया। मैं जानता हूँ कि वो पागल हेनरी है, पर पता नहीं था कि वो इतना पागल होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर कल मुझे स्कूल में उसके मासूम से पागल चेहरे की याद आएगी। आप सभी का दिन अच्छा हो, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा हूँ सर, पूछने के लिए शुक्रिया। और जरा ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस स्कूल आया हूँ। स्कूल आना अच्छी बात है ना? इसका मतलब तुम जेल से छूट गए? नहीं, पर आपने पूछा है तो एक बात बताता हूँ। बोलो। कभी कभी स्कूल भी जेल जैसे ही लगता है। मैंने स्कूल को जेल बोल दिया। जरा वापस इधर आना पागल लड़के। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुमने ये काम कैसे किया? पर मैंने किया क्या सर? वहाँ से भागे कैसे? कहाँ से भागा सर? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर सॉगिंगटन, कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर मिस ऑटबॉट, यहीं बैठे रहना। वैसे मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं मिस्टर सॉगिंगटन। हाँ शायद हो रहा हूँ,
लेकिन वो सच में बहुत ही पागल लड़का है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है मिस्टर सॉगिंगटन, पर वो कोई चोर उचक्का नहीं है और हम नहीं चाहते कि वो कोई क्राइम करना सीख जाए। ठीक है मिस ऑडबोर्ड। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये हेनरी के पोस्टर्स यहाँ से निकाल दें। जैसा आप कहें मिस ऑडबोर्ड। तो मैं मजा चखाता हूँ पागल हेनरी, बस तुम देखते जाओ। पता नहीं वो कैसे भागा था, पर वो भागा जरूर था। और अगर वो दोबारा भागने की कोशिश करता है तो मैं उसे मजा चखाने के लिए तैयार हूँ। ये मत समझना कि मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम तो गए पागल लड़के। पकड़ लो पागल लड़के। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, तुमको डर लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, देखते क्या होता है। ऑर्डर ऑर्डर। ओ, मैं हमेशा से ऐसा कहना चाहती थी। ओ हाँ, तो मामले की सुनवाई शुरू कर सकते हैं। मामला क्या है? कैदी जेल से फरार है मिस ऑडबोर्ड। अरे हाँ मिस्टर सॉगिंगटन, ये टुकड़ा तो हेनरी की शर्ट का ही लगता है। क्या? और हम सब जानते हैं कि ये कपड़े का टुकड़ा इसे सबूत का ही है मिस ऑडबोर्ड। हाँ थैंक यू मिस्टर सॉगिंगटन। और हम जानते हैं कि ये कपड़े का टुकड़ा मतलब सबूत क्राइम सीन पर मिला था। तो टेड, क्या तुम हेनरी के डिफेंस में कुछ कहना चाहोगे? मैं हेनरी की मॉम को फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। हेलो। हेलो पीटर की मॉम। हेलो टेड। आप मुझे लॉयर टेड के नाम से बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, लॉयर टेड। क्या आप डिफेंडेंट की मॉम हैं? हाँ हूँ। सबूत लेकर आया जाए। क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ, ये हेनरी की शर्ट का टुकड़ा लग रहा है। पहचानती है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हेनरी की शर्ट का टुकड़ा है। और पीटर की मॉम, क्या आपको ये याद है कि हेनरी की किसी शर्ट के बीच का एक टुकड़ा गायब है? आपको बताना पड़ेगा। वेल, जवाब देने से पहले आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा हेनरी की मॉम। नहीं, मैंने तो फटी हुई शर्ट नहीं देखी। वैसे हेनरी अपने कपड़े कहाँ रखता है? अपने वार्डरोब में, और कहाँ, वैसे ज्यादातर बिस्तर पर फेंक देता है और फिर उसी पर सो जाता हूँ। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने हेनरी के कपड़े चुरा लिए हों या उसे पहनने के लिए मांगे हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक। ओह, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या क्या? मैंने हेनरी की कुछ शर्ट्स थोड़े दिन पहले किसी को दे दिए थे। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था आप मेरी शर्ट नहीं फेंकेंगी। फेंकी नहीं हेनरी, मैंने कपड़े जरूरतमंद बच्चों को दिए थे। ओह, तो ये बात है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हेनरी की मॉम ने हेनरी को वार्डरोब को खाली करने को कहा था और हेनरी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तुम केस थोड़ा जल्दी खत्म करोगे? बिल्कुल, मॉम ने तो वही किया जो हर मॉम करती है। उनका दिमाग खराब हुआ तो उन्होंने कपड़े जरूरतमंद बच्चों को दे दिया और बच्चों ने गलत इस्तेमाल किया। हेलो, क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए फोन है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि वहाँ एक से ज्यादा थे? ओके, बताने के लिए शुक्रिया। करेक्शन, मॉम ने बच्चों को शर्ट दिए और उसके यहाँ से शर्ट चोरी हो गई। वैसे खुशखबरी की बात ये है कि चोर पकड़े गए हैं। उन्होंने हेनरी के पुराने कपड़े चोरी करके बैंक लूट ली थी। और इसी वजह से बेचारा हेनरी फंस गया। ये मेरी बात यहाँ पर समाप्त हो
होती है माय लॉर्ड। हेनरी को छोड़ा जाता है। थैंक यू टेड, तुमने केस दम लगा कर लड़ा। बाप रे, थोड़ी देर के लिए लगा कि तुम तो गए। हाँ, अब देखते हैं कि आगे की स्कूल लाइफ में क्या क्या होता है। क्या अब हम यहाँ से चले? हाँ, चलते हैं ना। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त हो तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हेनरी के साथ क्या हुआ था। तो बात जो शुरू हुई थी वो